हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के BSEG और BAG वाले बच्चों के लिए BMTC 133 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये असाइनमेंट कौन सा होने वाला है? ये असाइनमेंट आपका होगा जनवरी दिसंबर 2022 वाला। आज इस असाइनमेंट का हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं और कुछ बातें जो जरूरी है वो आपको बता देते हैं। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट दे रखा है BMTC 133। ठीक है, और ये असाइनमेंट किसके लिए है? ये असाइनमेंट आपको दे रखा है BSEG और BAG वाले बच्चों के लिए। इसका नाम क्या है? रियल एनालिसिस। और ये असाइनमेंट वैलिड कब तक के लिए है? ये असाइनमेंट आपका वैलिड होगा 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक। मतलब अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट दिसंबर 2022 में एग्जाम देने वाला है तो आप इस असाइनमेंट का यूज कर सकते हैं सॉल्व करके सबमिट करने के लिए। ठीक है, अगर आप दिसंबर 2022 के बाद एग्जाम देते हैं तो इस असाइनमेंट को आप सबमिट मत करना। हाँ, लेकिन इस असाइनमेंट का आप यूज कर सकते हो अपने किसी भी एग्जाम में, आने वाले किसी भी एग्जाम में प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, और ये प्रैक्टिस करनी भी चाहिए आपको। ठीक है, बाकी के यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि किस तरीके से आपको असाइनमेंट बनाना है, किस तरीके से आपको सबमिट करना है, सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लेना या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके असाइनमेंट का कोड दे रखा है BMTC 133। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स भी दे रखा है कि 100 मार्क्स का असाइनमेंट होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना हम लोग असाइनमेंट किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को, जो पहला वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। सेम उसी तरीके से जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करने वाले लेक्चर नंबर टू के अंदर। सेम इसी तरीके से जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने वाले। हर क्वेश्चन के लिए अलग लेक्चर इसलिए आएगा कि हमें क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाना है, ताकि अगर इसके जैसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उन क्वेश्चन को भी कर पाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि ये क्वेश्चन जो है आपकी बुक से कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से लिया गया है, ये भी हम आपको साथ साथ बताते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यहाँ पे मतलब जितनी भी स्टेटमेंट दी है उनमें से आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। किस तरीके से क्वेश्चन के सॉल्यूशन को असाइनमेंट में करना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्यूशन को आपको एग्जाम में करना है कि आपके पूरे पूरे मार्क्स मिले, बिल्कुल मार्क्स कट ना करें, ये भी हम आपको साथ में बताएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से आप लोग लिखेगा, आपके कोई मार्क्स कट नहीं होंगे। जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आप जो अपना आंसर लिखोगे आंसर को किस फॉर्म में लिखना है, एक तो शॉर्ट प्रूफ के फॉर्म में लिखना है या फिर काउंटर एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखना होता है। कब आपको प्रूफ देना होता है, कब आपको काउंटर एग्जाम्पल देना होता है, ये हम आपको समझा देंगे धीरे धीरे। जैसे आप सारे लेक्चर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर दूसरी बात, अगर आपको प्रूफ और काउंटर एग्जाम्पल का मतलब होता क्या है ना, इसके लिए आप लोग क्या करना, अपना आपको जो चैप्टर नंबर टू है, यानी कि जो आपका यूनिट नंबर टू है, उसको पढ़ लीजिएगा। उस पूरे चैप्टर में बता रखा है कि आगे प्रूफ का मतलब क्या होता है, काउंटर एग्जाम्पल का क्या मतलब होता है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर नंबर टू यानी यूनिट नंबर टू पढ़ लिया है तो आपको प्रूफ और काउंटर एग्जाम्पल का मतलब डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, एक मिनट बच्चों, ये जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इफ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर सच दैट, यानी एक्स और वाई दो रियल नंबर है। कैसे रियल नंबर है? कि एक्स लेस देन वाई, यानी एक्स की वैल्यू जो है लेस देन वाई से, क्या पॉसिबिलिटी है कि एक्स स्क्वायर लेस देन आएगा वाई से। ठीक है, अभी डिटेल में समझा भी देंगे। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आपका कहाँ से ले गया है, आपका जो ब्लॉक फर्स्ट है। ठीक है, ब्लॉक फर्स्ट में देखिएगा यूनिट नंबर थर्ड, जितने भी क्वेश्चन होंगे ना हम साथ साथ बताते हुए चलेंगे वो क्वेश्चन आपके कहाँ से आया है, चाहे वो चाहे हम असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, चाहे प्रीवियस ईयर एग्जाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर दोनों के क्वेश्चन बताएंगे आपके बुक से कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो यूनिट थर्ड में से अगर आप लोगों ने ये वाला टॉपिक कवर कर लिया 3.2.3 आर एज एन ऑर्डर फील्ड, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को या फिर इसके जैसे कोई सी भी क्वेश्चन एग्जामिनर चेंज करके देता है, मान लीजिए यहाँ पर तो ये दे रखा है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे इस समय दे रखा है एक्स लेस देन वाई और एक्स स्क्वायर लेस देन वाई। इसके अलावा वो कोई सा भी दूसरा क्वेश्चन दे सकता है, अभी दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन वो दे सकता है, बिल्कुल अभी दिखाने वाले। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये वाला अपना टॉपिक कवर कर लिया 3.23 का आर एज एन ऑर्डर फील्ड, तो आप ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, ये सारा आपको फिनिश करना पड़ेगा। देखो जरा यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ये देखो, ठीक है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये सारे ऑर्डर फील्ड के क्वेश्चन है। देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ये वाला देखो, देखो यहाँ पे भी क्या दे रखा है,
एक्स एक्स ग्रेटर देन वन, वाई ग्रेटर देन वन, अब तो आपको ये शो करना है। इससे पहले वाले हमने असाइनमेंट में ये तो दिया हुआ था, देखो असाइनमेंट में ये दिया हुआ था, अब हमारे पास ये दे दिया है कि नहीं। अब देखो एग्जाम्पल सिक्स, देखो ये दे दिया एक्स की वैल्यू, अब हमें ये शो करना है ना। तो अगर आपने ये वाला टॉपिक कवर कर लिया, या फिर ये देखो, या ये आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, देखो ये आपका दे रखा है और आपको ये शो करके देखना है ना। ये देखो ये दे रखा है ना, ए बी सी डी के लिए आपको ये प्रूफ करना है। तो ये सारे क्वेश्चन यही है। तो अगर आप चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ, इसके जैसे अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन चेंज होकर भी आता, अगर आप वो भी कर पाओ, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना ये चैप्टर नंबर थर्ड का, एक सेकंड बच्चों, आपको ये करना पड़ेगा, आपको कि यूनिट थर्ड का 3.2.3 आर एज एन ऑर्डर फील्ड को अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने लेक्चर्स में अच्छे से पूरा करा दिया है, आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का पहला वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विच आर फॉल्स। कई सारे स्टेटमेंट दी थी, हम उसमें से आज फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है, अपना आंसर लिखना है किस फॉर्म में, शॉर्ट प्रूफ या फिर काउंटर एग्जाम्पल के फॉर्म में। शॉर्ट प्रूफ या काउंटर एग्जाम्पल कब किया जाता है, इसके लिए प्लीज बच्चों यूनिट नंबर टू देख लीजिएगा, उसमें हमने डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोल रखा है। इफ एक्स एंड वाई, यहां से सुनना, इफ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर, एक्स और वाई कैसे हैं, दो रियल नंबर है। और कैसे रियल नंबर है, कि एक्स लेस देन वाई, मतलब एक्स की वैल्यू छोटी है, कम है किससे, वाई से। तो आपको चेक करके बताना है, क्या फिर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी या छोटी होगी किससे, वाई स्क्वायर से, आपको चेक करके बताना है, ठीक है। करें क्वेश्चन सॉल्व। और हमने यहाँ पे साइड में लिख दिया है कि ये वाला क्वेश्चन आपका यूनिट थर्ड के 3.2.3 में से लिया गया, जिस टॉपिक का नाम क्या, आर एच एन ऑर्डर फील्ड, ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। करते हैं अब इसको सॉल्व। देखो अब यहाँ देखो, यहाँ जो आपका आंसर लिखा है, इस आंसर में आप लोग क्या लिखोगे, या तो आप ट्रू लिखोगे है ना, या तो आप फॉल्स लिखोगे। अभी हम आपको दोनों सिर्फ ऐसे लिख कर दिखा रहे हैं, सही आंसर क्या होगा अभी हम बताएंगे, ठीक है। पर रीजन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, हमने आपको बताया रीजन में, या तो आप प्रूफ लिखोगे है ना, या फिर आप क्या लिखोगे, काउंटर एग्जाम्पल लिखोगे। दोनों में से आप क्या लिखोगे वो हम आपको अभी समझा देंगे ये क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे या फिर अपना चैप्टर नंबर टू पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, सॉल्व करते हैं। लेट वी हैव, एक सेकेंड बच्चों, लेट वी हैव टू रियल नंबर, एक्स इक्वल टू में माइनस हाफ और वाई इक्वल टू में हाफ। आप कोई से भी दो रियल, कोई से भी दो रियल नंबर मान सकते हो, जरूरी नहीं कि यही मानो, ठीक है। सच दैट एक्स लेस देन वाई, पहली बात फिनिश हो गई। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, हमने क्या माना, लेट वी हैव टू रियल नंबर, हमने दो रियल नंबर माने एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, एक्स इक्वल टू हाफ, आप कोई से भी दो रियल नंबर मान सकते हो। और ये दो रियल नंबर कैसे हैं, कि एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन किससे, वाई से। आपको पता है ना कि माइनस हाफ लेस देन है, छोटा होता है किससे, हाफ से होता है, ठीक है। इसके बाद अभी हमें क्या चेक करना है, नाउ फोर एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, आपको ये तो चेक करना है। वी है, इसको चेक करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो फाइंड करें, ठीक है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या दे रखी थी, हमारे पास एक्स दे रखा था माइनस का हाफ। अगर हम इसे एक्स स्क्वायर फाइंड करें तो कितना हमारे पास आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी इसका हाफ का स्क्वायर कर दो, कितना आंसर आने वाला हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1/4। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी, इक्वेशन फर्स्ट कर लो, मर्जी है लिखने का तरीका है, ठीक है। सेकेंड एंड वाई हमारे पास क्या दे रखा था, आप इसका स्क्वायर करो, तब इसका स्क्वायर करने पर वापस आंसर क्या आएगा, वाई स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में 1/4, ये भी आपका सेकेंड आ गया इक्वेशन सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी हैव
एक्स स्क्वायर इक्वल टू में वाई स्क्वायर। देखो दोनों के दोनों आपस में इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास इक्वल आ जाए। नहीं मतलब हमने क्या चेक किया, हमने अगर हमने एक्स की वैल्यू ले ली माइनस हाफ और वाई ले लिया हमने हाफ, यहाँ पे आप देखोगे एक्स जो है वाई से लेस देन है, लेकिन जब हमने इसका स्क्वायर किया यानी एक्स स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 1/4 और वाई हमारे पास कितना आ गया 1/4, इस केस में हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास बराबर हो गया। इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट क्या है, देयरफॉर देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी जो स्टेटमेंट दी वो क्या दे रखी है, गलत दे रखी है। इस तरीके से बच्चों आप ऐसे कोई से भी दो नंबर एज्यूम कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही वाला करो या यानी कि आप माइनस हाफ या हाफ पर आप कोई से भी दो नंबर लेके एज्यूम कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे क्या चेंज हम लोग कर देंगे, इसे चेंज कर दो, यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स, यहाँ पे हम लोग फॉल्स लिखेंगे। नैनी स्टेटमेंट कैसी है हमारे पास फॉल्स है। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। देखो बच्चा प्रूफ क्या मतलब क्या है, देखो एक्चुअली में प्रूफ और यहाँ सुनना प्रूफ और काउंट एग्जाम्पल दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रूफ और काउंट एग्जाम्पल को डिटेल में समझने के लिए चैप्टर 2 पढ़ लेना, उसमें हमने आपको डिटेल में एग्जाम्पल दे दे के समझाया है कि कब आपको प्रूफ करना होता है कब आपको काउंट एग्जाम्पल करना, तो प्रूफ और काउंटर एग्जाम्पल में क्या सिमिलरिटी है क्या उसमें डिफरेंस है, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। देन इसके अलावा हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड वाला क्वेश्चन दे रखा है ना ये वाला, देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, ये वाला सेकंड क्वेश्चन, फॉर एवरी फाइनाइट सेट एस सुप्रीमम एस बिलोंग्स टू एस, ये वाला हम लोग करेंगे इसी तरीके से डिटेल में समझ के कि ये क्वेश्चन आपके किस चैप्टर से लिया गया है, किस टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है, इसके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक की कंप्लीट थ्योरी सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा जाएंगे। इसके अलावा सभी लेक्चर के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट है जो आपको सबमिट करना होता है उसका वीडियो सोल्यूशन होगा लेक्चर वाइज जैसे आज का हमने करवाया है, ठीक है। और जो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर होंगे उनका भी सोल्यूशन होगा, यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के भी लेक्चर्स होंगे और असाइनमेंट के भी लेक्चर्स होंगे। और जो आपका सिलेबस है जो आपकी बुक्स है दोनों का ही पीडीएफ फॉर्म आपको मिलेगा, और आपको आपके सिलेबस के बारे में और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में आपको समझाया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। और आपको एंड में क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उससे 1 month बिफोर आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपके पूरे कोर्स का एक फास्ट रिविजन होगा, जिससे कि एग्जाम टाइम में भी कम समय में कम टाइम में आप अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट।